देशामध्ये सध्या कडाक्याची थंडी पडली आहे, तर तिकडे जम्मू काश्मीर आणि मनाली भागात जोरदार बर्फवृष्टी होतीये. जम्मू काश्मीरमध्ये सर्वत्र बर्फाची चादर पसरली आणि रस्त्यांवरही बर्फाचा खच जमा झालाय, त्यामुळे काही ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली आहे. तर निसर्गाचं हे सुंदर रूप पाहण्यासाठी पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली आहे. भारताच्या उत्तरेकडील भागात सुरू असलेल्या बर्फवृष्टीचा आढावा आपण घेऊया. बहुत सुंदर जो सुना था कश्मीर के बारे में और आज लाइव देख लिया है, और इसी नज़ारे को देखने के लिए मैं सुबह बाहर निकला हूँ. जो पहले एक दो बार ही निराशा हो गई थी कि भाई स्नोफॉल होगा नहीं, बट जो है परसों से जो है बहुत अच्छा लगा है. मनाली आए हैं बस लाइक फैमिली के साथ एंजॉय करने. काफ़ी अच्छा व्यू है और बहुत बढ़िया लग रहा है इधर आके रुक के. और कनाडा से आए हैं, क्या इतनी अच्छी स्नो तो उधर भी नहीं पड़ती, क्योंकि इधर जो फैमिली के साथ फन कर सकता है वो तो उधर नहीं कर सकते ना. और बाकी आसपास में जो लाइक द व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. लोकल्स हमारे काफ़ी खुश है क्योंकि बर्फ़ के लिए तो आपको पता स्नो चाहिए होती है, तो हमें भी इसका बेनिफिट है. मतलब लुक एट द व्यू, इतना सुंदर नज़ारा आपको कहाँ मिलेगा. मतलब ये फॉरेन कंट्री से भी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत दिख रहा है. जैसे हम अपनी नज़रों से अगर हम देखें तो खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं कैसी दिख रही है. गाड़ी आगे तक तो गई नहीं, ऊपर तक नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी यहाँ का व्यूज अच्छा है. काफी बहुत अच्छा है. कैसा सोचा उसकी भी सबसे बड़ी बात है कि स्नोफॉल मिल गई. दो दिन से कुल्लू मनाली आई हुई हूँ, यहाँ पे इतना ऑसम सा अमेजिंग सा नज़ारा है. स्नोफॉल हो रही है और ये मतलब आप देख ही रहे हैं. तो हाँ, यहाँ पे बहुत अमेजिंग है. ठंड बहुत है पर उतना ही मज़ा है. Very, very, very fantastic experience because we never had this kind of experience. My very first snow experience in India. This is very fantastic moment. Due to extreme weather, we can't go upper part. We stopped our bus here and just came here for this experience. ABP Majha, उघडा डोळे बघा नीट.